हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन क्लास सिंह साइंस क्लासेस एसोसिएटेड विद द पीसीबी क्लासेस। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा पहले का जानते हैं कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था इससे अपनी लास्ट वाली वीडियो में। और उससे भी पहले आपको एक बात बताना ज़रूरी है कि आप लोग जो भी डेली वीडियोज देखते हैं आप उनके एक शॉर्ट नोट बनाइए ताकि आपको वो थिंग्स याद रहें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है। अगर आप क्लास को देखते हुए शॉर्ट वीडियो नहीं बना रहे हो तो क्या होगा कि आपको समझ में ज़्यादा नहीं आएगा। तो जो भी आप वीडियोस देखते हैं आप उनके शॉर्ट नोट बनाते रहिए डेली, तो जब आप नेक्स्ट क्लास पढ़ोगे तो आपको उसमें हेल्प मिलेगी। तो लास्ट टॉपिक में हमने स्टार्ट किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी को स्टडी किया था। आज हम एक्चुअली स्टडी करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट, आपको अगर याद होगा तो हमने आपको बताया था दिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कंसिस्ट फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, यहां पर और लिख ले, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मेमरी ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ओनली द थ्री, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वजाइना। दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट इन द नेक्स्ट क्लास। सो लेट्स वी स्टार्ट। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो अगर आप लोग डेफिनेशन भूल गए हैं तो एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं आपको कि ऐसे सेक्स ऑर्गन जो गैमेट के ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, जो गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन के लिए साइट प्रोवाइड कराते हैं, ऐसे ऑर्गन जो फीटस के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, उन सारे सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। तो लेट्स बी स्टार्ट विद द फर्स्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहां पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ कर रखा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब से, स्टार्ट करते हैं। फैलोपियन ट्यूब, इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। इसके अलावा ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है इसको हम ओविडक्ट बोलते हैं। और ये कैसी ट्यूब होती है? ये मस्कुलर ट्यूब होती है। कैसी ट्यूब होती है? मस्कुलर ट्यूब होती है, यानी मसल्स की बनी होती है। और अगर हम इसके साइज की बात करें तो इसका साइज होता है लेंथ में 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी होती है? 10 टू 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो आप पूरी ट्यूब देख रहे हो दोनों तरफ, तो ये जो दोनों तरफ आपको ट्यूब दिखाई पड़ रही है तो वन पेयर होती है। ठीक है, यहां पर लिख भी ले, कितनी होती है? वन पेयर होती है, मस्कुलर होती है। और लेंथ कितनी होती है इनकी? 10 टू 12 सेंटीमीटर। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कहां से अराइज होती हैं और कहां तक जाती हैं? एक्सटेंड फ्रॉम पेरिफेरी
ऑफ ओवरी कहां से एक्सटेंड होती हैं? पेरीफेरी ऑफ ओवरी से, और कहां तक जाती हैं? एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी टू द यूट्रस। कहां तक जाती हैं? यूट्रस तक जाती हैं। अगर आप देखो तो ये ओवरी का पेरीफेरी रीजन से यहां से अराइज हुई और कहां तक गई? यूट्रस तक गई। तो एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द ओवरी एंड टू द यूट्रस। अब बात कर लेते हैं इनकी लोकेशन की। किसकी बात कर लेते हैं? इनकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कहां प्रेजेंट होती हैं, अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। यानी अगर हम सिंपली देखें तो कहां लोकेटेड होंगी? एक तो यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर होंगी और यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होंगी। तो लोकेशन क्या हो गई कि अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। अगर हम बात करें अब इस पूरी फेलोपियन ट्यूब की, तो इस फेलोपियन ट्यूब में थ्री पार्ट्स होते हैं या थ्री रीजन्स होते हैं, डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। और अगर आप लोगों ने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा, याद होगा आपको, तो वहां पर भी ये रीजन्स आपको बताए गए थे। यहां पर आपको शो कर दें, तो ये जो पूरी की पूरी है ये फेलोपियन ट्यूब है, और इस फेलोपियन ट्यूब में कितने पार्ट हैं? थ्री पार्ट्स हैं। थ्री पार्ट्स कौन कौन से पहले लिख लेते हैं फिर शो करते हैं। द फर्स्ट पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम द मिडिल पार्ट इज एम्पुला एंड यूट्रस से जो अटैच वाला पार्ट होता है वो कौन सा होता है? इस्थमस होता है। तो डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। अगर आप ये देखें ये फेलोपियन ट्यूब है, तो इसका ये जो रीजन है इसको इनफंडिबुलम बोलते हैं, इसका मिडिल पार्ट ये ब्रॉड होता है इसको एम्पुला बोलते हैं, और फिर ये नैरो ट्यूब में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। तो इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। अगर आप सीन कर पा रहे होंगे इस डायग्राम को, अगर आप इस डायग्राम को सीन कर पा रहे होंगे, अगर आप इस डायग्राम को सीन कर पा रहे होंगे, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये फिंगर लाइक, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं जो इनफंडिबुलम से अराइज होता है, इसको बोलते हैं हम फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। तो दिस, ये जो इनफंडिबुलम है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिम्बरी। लाइए यहां पर भी मेंशन कर देते हैं, ये देखिए मैंने मेंशन किया, ये इसको क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं। और इस फिम्बरी की एक इंपॉर्टेंस होती है, फिम्बरी की एक इंपॉर्टेंस होती है, इट हेल्प इन कलेक्टिंग द ओवा। इट हेल्प इन कलेक्टिंग द ओवा। ये ओवा को कलेक्ट करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। अब अगर हम इस फेलोपियन ट्यूब की बात करें, तो फेलोपियन ट्यूब कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज। ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज इसमें होते हैं। क्या क्या होते हैं इसमें देख लेते हैं। यहां हम बोले कौन कौन सी लेयर होती हैं, चाहो तो आप यहां लेयर लिख लो। पहली लेयर होती है, अगर हम बात करें, जो इनर मोस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं हम? म्यूकोसा बोलते हैं। तो ये जो म्यूकोसा होती है ये इनर मोस्ट होती है। ये कैसी होती है? इनर मोस्ट लेयर होती है।
और इस इनर मोस्ट लेयर के साथ इसमें कौन से टिश्यू होते हैं? तो इसमें कॉल्यूमनर एपिथेलियम टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। इसके अलावा ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेक्रेटरी, मतलब इसमें सेक्रेटरी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू भी होते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, फेलोपियन ट्यूब कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज और लेयर। तो हमने बताया कि जो सबसे इनर मोस्ट होती है वो कौन सी होती है, ये म्यूकोसा होती है। म्यूकोसा इज अ इनर मोस्ट लेयर और इसमें टिश्यू कौन से होंगे, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होंगे। कौन से होंगे? कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होंगे और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होंगे। और अगर हम बात करें इन सेक्रेटरी और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये जो क्या करते हैं, इनके जो सेक्रीशन होते हैं यानी जो म्यूकोसा का सेक्रेटरी पार्ट होगा, इसका जो सेक्रीशन होगा क्या होगा, सेक्रीशन, ये सेक्रीशन हेल्प करता है एक तो नरिशमेंट ऑफ ओबा में, किसमें, नरिशमेंट ऑफ ओबा, ओबा को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और इसके अलावा और क्या प्रोवाइड कराता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है? प्रोटेक्शन टू द ओबा। तो सिंपल सी हो गई कि ये जो म्यूकोसा है ये इनर मोस्ट लेयर है, कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें, और ये जो कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें सेक्रेटरी और सिलिएटेड होते हैं। जो सेक्रेटरी कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इनका जो सेक्रीशन होता है वो सेक्रीशन हेल्प करता है नरिशमेंट ऑफ ओबा में एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ओबा में, ठीक है। फिर इसकी जो मिडिल लेयर होती है ये हो गई इनर मोस्ट। जो मिडिल लेयर होती है, यहां पर लिख लें, जगह थोड़ी सी कम है, तो इनर मस्क्यूलरिस यानी मसल्स की बनी हुई लेयर को क्या बोलते हैं हम, मस्क्यूलरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मस्क्यूलरिस बोलते हैं। और सबसे जो आउटर लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिरोसा। ये आउटर मोस्ट हो गई, ये कौन सी लेयर हो गई, आउटर मोस्ट लेयर हो गए, ठीक है। तो ये आपका फिलोपियन ट्यूब का जो स्ट्रक्चर था वो फिनिश हो गया। फिलोपियन ट्यूब की खास बात क्या है, एक तो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फिलोपियन ट्यूब में होती है, और फिलोपियन ट्यूब के कौन से रीजन में होती है, एम्पुला रीजन में होती है। कुछ एनसीईआरटी में एम्पुला मेंशन है और कुछ एनसीईआरटी में एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन जो है वो मेंशन है। तो जो सुटेबल है वो एक्चुअली एम्पुला रीजन है। तो एक बार हम यहाँ तक रिव्यू कर लें और तो आपको आसानी रहेगी। तो जो फेलोपियन ट्यूब है उसको ओबीडक्ट भी बोलते हैं, वन पेयर होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, 10 टू 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द ओबरी, जो ओबरी का पेरीफेरी रीजन है वहाँ से एक्सटेंड होती है और कहाँ तक जाती है, यूट्रस तक जाती है। लोकेशन की बात करें तो अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर ये प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इस फिलोपियन ट्यूब में 3 रीजन्स होते हैं, इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है और इस्थमस होता है। इनफंडिबुलम के पास क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको फिम्ब्री बोलते हैं। तो जब ये ओबा ओबरी से बाहर आता है तो उस समय ये ओबा को कैप्चरिंग में हेल्प करता है या कलेक्टिंग द ओबा। एम्पुला रीजन मैंने आपको बताया कि फर्टिलाइजेशन की साइट है और इस्थमस वो पार्ट है जहाँ से फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में ओपन हो जाती है। अगर हम देखें तो जो दो फेलोपियन ट्यूब होती हैं उनके दोनों जो एंड्स होते हैं, मतलब इस वाले फेलोपियन ट्यूब का ये एंड और इस वाले फेलोपियन ट्यूब का ये एंड, दोनों कहाँ ओपन होते हैं, यूट्रस में ओपन होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है वो किसी ना किसी की बनी होगी, उसमें कोई ना कोई टिश्यू होंगे, लेयर होंगी। तो उसमें 3 लेयर होती हैं, इनर मोस्ट म्यूकोसा, मिडल मस्कुलरिस एंड आउटर मोस्ट सेरोसा। फिर मैंने आपको बताया कि म्यूकोसा में कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, उसमें 2 टाइप्स के, सेक्रेटरी एंड सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। ये सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ओबा के
मोशन में हेल्प करते हैं, यानी उसके लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, और जो सेक्रेटरी टिश्यू होते हैं उनके जो सेक्रीशन है ओबा को नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, किसको? ओबा को, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं ओबा को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अगर नोट करना हो आप एक बार देख लीजिए स्नैपशॉट के लिए, ओके ले लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं किसकी? यूट्रस की। अब बहुत कम पोर्शन बचा है, यूट्रस, इस यूट्रस की बात करें तो यहां पर ये जो मैंने साइज लिख रखा है ये यूट्रस का ही साइज है। किसका साइज है? ये यूट्रस का साइज है। सबसे पहले तो आपको बता दें दिस इज द पियर शेप्ड ऑर्गन। नाशपाती होता है ना, तो जैसा नाशपाती होता है तो वैसा ही ये पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, सेम एज फिलोपियन ट्यूब की तरह। ये भी कैसा ऑर्गन होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। और जैसा कि हमने साइज बता रखा है, इसके साइज की बात करें तो साइज जैसे मैंने बता रखा है 8x5x2 लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस, तो ये इसका क्या हो गया? साइज हो गया। अब इसकी बात कर लेते हैं किसकी? लोकेशन की। थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसकी लोकेशन की बात करें, जैसे अभी फिलोपियन ट्यूब की लोकेशन थी तो अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये भी कहाँ लोकेटेड होता है? अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। दूसरी अगर बात करें कैसे अटैच होता है, अटैच्ड टू द बॉडी वॉल बाय द, पिछले जब टॉपिक में भी पढ़ा था, लिगामेंट, बाय द लिगामेंट। बॉडी वॉल से किसके थ्रू अटैच होता है? लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होता है। अब अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस कंसिस्ट, इट कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। सबसे पहला बॉडी, अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा ये जो यूट्रस है, इनर पोर्शन, इस पूरे इनर पोर्शन को जो इसकी बॉडी है, इसकी बॉडी को कार्पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पस बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? बॉडी, एंड दिस बॉडी इज कॉल्ड कार्पस। इस बॉडी को क्या बोलते हैं हम? कार्पस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इस यूट्रस की बात करें तो इसमें एक नैरो यूटेराइन कैविटी होती है। क्या होती है? सेकेंड वन, नैरो यूटेराइन कैविटी, इट कंसिस्ट अ नैरो यूटेराइन कैविटी, एंड इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? इस कैविटी को हम ऑस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस। जैसा कि हमने यहां लिख भी रखा है, दिस इज यूट्रस एंड दिस नैरो ल्यूमेन इज कॉल्ड ऑस, ठीक है। इसके अलावा फिर जब हम आगे की तरफ मूव करेंगे, कहां मूव करेंगे? आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसमें आगे की तरफ आपको क्या मिलेगी? नैरो ल्यूमेन मिलेगी। क्या मिलेगी? नैरो ल्यूमेन, जिसको क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। तो जब आगे की तरफ बढ़े तो ये और नैरो हुई और इसने क्या फॉर्म कर लिया? सर्विक्स फॉर्म कर लिया। और इस सर्विक्स की कैविटी को, इस सर्विक्स की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विकल कैनाल। तो अगर आप देखो तो ये यूट्रस है, ये यूट्रस आगे से और नैरो हुआ जिसको हमने क्या बोल दिया?
सर्विक्स बोल दिया, और ये जो सर्विक्स की जो कैविटी है आगे की तरफ जो मूव करके बनाएगी, हम उसको क्या बोल देते हैं, सर्विकल कैनाल बोल देते हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, यूट्रस की। और अब अगर हम बात करें कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस अपने साइज का 500 टाइम्स क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। तो ये तो उसके स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसकी लेयरिंग की, किसकी बात कर लेते हैं, इसमें लेयरिंग की। तो इसको हटा देते हैं, फिर बात कर लेते हैं लेयरिंग की। एक बार जल्दी से एक बार इसका रिव्यू देख लें। यूट्रस पियर शेप्ड ऑर्गन होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, अपने साइज का 500 टाइम इंक्रीज कर सकता है। साइज की बात करें तो 8 × 5 × 2 ये सेंटीमीटर्स में है। लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। लोकेशन की बात करें, अबव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, अटैच टू द बॉडी वॉल बाय द लिगामेंट। इसमें जो पार्ट्स होते हैं, बॉडी कॉर्प, बॉडी होता है जिसको कार्पस बोलते हैं, नैरो यूटेराइन कैविटी होती है जिसको ऑस बोलते हैं, नैरो ल्यूमन होती है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, और सर्विक्स की जो कैविटी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, सर्विकल कैनाल बोल देते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे, एक्चुअली यूट्रस की बात कर रहे हैं, अब यूट्रस की लेयर्स की बात करेंगे। तो आप जो यूट्रस की लेयर हैं आपको दिखाई पड़ रही होंगी, यहाँ पर जो इनर मोस्ट है एंडोमेट्रियम, द मिडल वन इज मायोमेट्रियम एंड द आउटर वन इज पेरीमेट्रियम। तो चलिए शुरू करते हैं, हम पहले तीनों लिख लेते हैं, ऊपर से लिख लें ताकि स्पेस कम ना पड़े। तो यूट्रस में 3 लेयर हो गई, कौन कौन सी, सबसे पहले इनर मोस्ट एंडोमेट्रियम लिख लेते हैं, मिडिल मायोमेट्रियम लिख लेते हैं, एंड द इनर मोस्ट, वो सॉरी आउटर मोस्ट क्या लिख लेते हैं, पेरीमेट्रियम। क्या लिख लेते हैं, पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया और पेरीमेट्रियम हो गया। तो पहला पॉइंट एंडोमेट्रियम की, चलो एंडोमेट्रियम लिखते हैं, आप एंडोमेट्रियम से शुरुआत करते हैं। तो एंडोमेट्रियम अभी हमने क्या बताया, इनर मोस्ट होती है। कौन सी लेयर है, इनर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है। और इसकी जो लाइनिंग होती है उसमें कौन से टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। कौन से टिश्यू होते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो ये एंडोमेट्रियम होती है इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कौन से टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। प्लस अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें और क्या होता है, इसमें कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, और क्या होते हैं, लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन। क्या होती है, लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन, समझ में आया। तो अगर हम बोलें तो ये जो तीनों चीजें हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये ग्लैंडुलर एपिथेलियल का फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसी होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये सिलिएटेड होती है एंड कॉल्यूमिनर होती है। कैसी होती है, सिलिएटेड प्लस कॉल्यूमिनर, सिलिएटेड प्लस कॉल्यूमिनर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा इस पूरे स्ट्रक्चर को हम और क्या बोल देते हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं एंड लाइनिंग ऑफ ल्यूमन होते हैं, इसको हम बोल देते हैं, इसको कलेक्टिवली मिलाकर, इसको यहाँ पर हटा लें, इसको कलेक्टिवली मिलाकर हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कलेक्टिवली मिलाकर बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। क्या बोलते हैं, लैमिना प्रोप्रिया बीनेथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो लैमिना
प्रोप्रियाबिनेट कंसिस्ट एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन। और इस अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, किसकी बात करें, कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, तो इस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होती हैं, इस कनेक्टिव टिश्यू में होती हैं ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं? ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। और क्या होता है? प्लस ब्लड वेसल्स होती हैं। और क्या होता है ब्लड वेसल्स के साथ साथ इसमें? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं? फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक है, आई थिंक सो इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार एंडोमेट्रियम को देख ले हम फिर से। इनर मोस्ट लेयर है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल बोलते हैं। इस ग्लैंडुलर एपिथेलियल में क्या क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, प्लस लाइनिंग ऑफ ल्यूमेन होता है। इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के लैमिना प्रोप्रिया बीनेथ बोलते हैं। इसमें जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसमें ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं किसकी तरफ? मायोमेट्रियम की तरफ। अच्छा, इस एंडोमेट्रियम की एक खास बात बता दें आप लोगों को कि जो एंडोमेट्रियम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर इसमें चेंज आता है। जो इम्प्लांटेशन होगा वो इसी एंडोमेट्रियम में होगा, जो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है वो भी इसी एंडोमेट्रियम में आके एम्बेडेड होगा। इसके अलावा जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो ये एंडोमेट्रियम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, सेक्रीशन भी करती है। इसके अलावा जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके सेक्रीशन में भी क्या करती है, ये हेल्प करती है। तो इसीलिए एंडोमेट्रियम की एक इम्पॉर्टेंस होती है। प्यूबर्टी के टाइम पर इसमें चेंजेस आते हैं और ये मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और किधर बढ़ते हैं? मायोमेट्रियम की तरफ। तो मायोमेट्रियम की अगर हम बात करें तो मायोमेट्रियम इज द मिडिल लेयर। कौन सी लेयर हो गई? ये मिडिल लेयर हो गई, ये मिडिल लेयर। आपको अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो दिस इज द मिडिल लेयर, दिस इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। इसमें कौन सी मसल्स होती हैं? इसमें स्मूथ मसल्स होती हैं। कौन सी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स होती हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होने के कारण ये किस में हेल्प करती हैं? ये पार्टोरिशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? पार्टोरिशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, और अब हम आ जाते हैं किस पर? सबसे आउटर मोस्ट लेयर पर, पेरीमेट्रियम। कहाँ जाते हैं? पेरीमेट्रियम की बात करें तो इसमें टू टाइप्स की होती हैं, ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पर। एक तो होती हैं सिरोसा और एक होती हैं एडवेंशिया। एडवेंशिया कितने टाइप की हो गई? सिरोसा और एडवेंशिया हो गए। अगर एडवेंशिया की बात करें तो इसमें सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। और अगर हम सिरोसा की बात करें तो सिरोसा में कौन से टिश्यू होते हैं? मीजोथीलियम होते हैं। एक्चुअली कौन से होते हैं? मीजोथीलियम। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया किसका? यूट्रस का। अब यूट्रस आगे की तरफ क्या बनाता है? सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, और ये ओपन हो जाती है कहाँ? वेजाइना। वेजाइना की बात करें अब हम, यहीं पर लिख लेते हैं हम। वेजाइना एक्चुअली ओपनिंग होती है, दिस वन इज द ओपनिंग। किसके बीच में प्रेजेंट होती है अगर हम बात करें? एनस और यूरिथ्रल ओपनिंग। जो यूरिथ्रल ओपनिंग होती है, जो एनस होता है उसके सेंटर में वेजाइनल ओपनिंग होती है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? नो ग्लैंड, कोई भी ग्लैंड नहीं होती, कोई भी ग्लैंड नहीं होती। साइज की बात करें तो 8 सेंटीमीटर की होती है। कितने सेंटीमीटर की होती है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओपन आउटसाइड द बॉडी, और अगर इस सर्विक्स और सर्विकल केनाल और वेजाइना को कलेक्टिवली बोल दें तो इस कलेक्टिवली इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं बर्थ कैनाल। क्या बोल देते हैं? बर्थ कैनाल बोल देते हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, यूट्रस का स्ट्रक्चर और वेजाइना का स्ट्रक्चर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो
तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और फिर वही बात, डेली आप लोग साथ में शॉर्ट नोट बनाइए ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए आप कमेंट करिए। और फिर वही बात, लॉकडाउन कभी भी पढ़ाई नहीं बंद कर सकता। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अखिलेश सिंह आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।